मैं पिछले करीब 20 दिन से हरियाणा के अलग अलग जिलों में गया हूँ। करीब ये मान लो एक भी जिला नहीं बचा, सारे जिलों में घूम के आया हूँ। और हमने ये जब मुद्दा, जब ये HPSC में पैसे का मामला मिला था, जब ये मुद्दा उठाया था, तो पूरे हरियाणा से गणे नहीं तो 400-500 फोन जरूर आए हैं मेरे पास डायरेक्ट, अलग अलग उस पे। और अलग अलग जिलों में जब मैं गया तो वहां जो भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बच्चे थे वो मिले मेरे से, और उन्होंने अलग अलग समस्याएं बताई जो यहां पे अभी भर्तियों में हो रही हैं। सबसे बड़ा तो ये है कि बच्चों का जो विश्वास है वो पूरी तरह से टूट चुका है कि ये भर्तियों में गड़बड़ होगी ही होगी, ये मान रहे हैं वो। और 17 तारीख का हमने अनाउंस किया था कि भाई 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे, तो वो घेराव हम कल करेंगे, विधानसभा का सत्र चालू हो रहा है। अब सवाल ये है कि पूरे हरियाणा में हरियाणा सरकार गीता जयंती मना रही है, पूरे हरियाणा में। अच्छी बात है, गीता जयंती मनानी चाहिए। अब सरकार कह रही है कि हमें स्कूलों में भी लागू करेंगे, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन गीता में जो ज्ञान दिया गया है, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में जो बोला है, उस पर सरकार एक भी इंप्लीमेंट नहीं कर रही, एक भी इंप्लीमेंट नहीं कर रही सरकार। हरियाणा के 30 लाख नौजवान हैं भाई साहब, जो अलग अलग भर्तियों के लिए आवेदन करते हैं और पेपर देते हैं, HPSC और HSSC और भिवानी बोर्ड, ये 3 बोर्ड हैं जो कि कंडक्ट करते हैं पूरे एग्जाम को। अब जब नागर पकड़ा गया करोड़ों रुपए के साथ सूटकेस में, उससे पहले HSSC में पकड़े गए थे कर्मचारी, आप लोगों के सामने ही आया था, करीब 2016 की शायद बात है, जब उस टाइम पे HSSC के जो मेंबर और चेयरमैन थे उनकी ही जो अपॉइंटमेंट थी वो ये गलत थी। अब जब ये पकड़ा गया तो ये बोले कि भाई हमने तो पकड़ लिया, हमारे ये सरकार जो है वो कहती है कि हमारी सरकार में ना तो भ्रष्टाचार होता किसी काम में और ना भर्तियों में भ्रष्टाचार होता। तो भाई साहब, मैं इस सरकार से, गीता जयंती का अवसर चल रहा था, 19 तक मना रहे हैं अभी, मैं यही कहने के लिए गया था, गीता पर हाथ रखकर कसम तो खा दो भाई। गीता पर हाथ रखकर कसम खाने में समस्या क्या है? जब गीता जयंती मना रहे हो, वहां सारे नेता जा रहे हैं, सारे मंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, तो गीतावाद रख कसम खाण मत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी तक भाई साहब पूरे हरियाणा में किसी ने भी गीता जयंती पे, या वैसे हमने कही जी वैसे हाथ रख कसम खा जाओ, गंगा जल ठा लो, गीता ना मानते तो गंगा ना मानते हो तो गंगा जल ठागा, कह दो कि भाई हमने भ्रष्टाचार नहीं करा। अब मैं जब वो वहां गया कुरुक्षेत्र में, तो मेरे ऊपर इन्हें FIR कर दी आपदा प्रबंधन के तहत, तो मैं तो कोई से आपदा नहीं था, बम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, 20-25 जने थे उड़े, वहां हजारों लोग लेके बाबा बैठे हैं, वो आपदा नहीं है। अब सवाल ये है भाई साहब कि पूरे हरियाणा में जो नौजवान साथी हैं, वो चाहे सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, चाहे कांस्टेबल की है, चाहे नर्स की है, जो अलग अलग इन, मतलब मेरे को अलग अलग बड़का ने अलग अलग मतलब वो बता रखे, ये इन फाइला में जो उनकी एप्लीकेशन है वो बताऊं हूं मैं। इसमें जो एप्लीकेशन है वो ये जो बता रहे हैं, एक बहुत बड़ा मुद्दा शायद आप लोगों को ध्यान में नहीं है, एक सोशो इकोनॉमिक का मुद्दा है। जो लड़की शादीशुदा होकर सामने अपना ससुराल में चली जा है, तो क्या है कि अगर उसका बाप या उसका भाई नौकरी पे है तो उसको नंबर नहीं मिलते, उस घर से क्या लेना देना भाई साहब उसका, वह तो शादी हो गए सामने वाले चली जा है, उसका भाई तो सीधा कोथली दे देगा, त्योहार पर आ जाएगा चला जाएगा, उसका घर थोड़ी चलाओगा। तो
तो ये तो बेटी बचाओ की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये है अगर लड़कियों के साथ, खासकर शादीशुदा लड़कियों के साथ, ये बहुत बड़ा इनकी पॉलिसी में बहुत बड़ी गड़बड़ है। फिर आगे बात, वैसे तो फैमिली आईडी बना रहे हैं, अगर चार भाई हैं तो चार भाई अलग अलग रह रहे हैं, शादी होगी उनके अलग अलग रह रहे हैं, और एक भाई अगर नौकरी लग जाता है तो जो दूसरे हैं उनके लिए वो पांच नंबर का क्राइटेरिया से बाहर हो जाते हैं। तो भाई भाइया में झगड़ा करा रहे हैं, बहन भाइया में झगड़ा करा रहे हैं। फिर आता है कि कोई भी पेपर है भाई साहब 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर इनका पेपर होता है लड़कियों के साथ, तो एक आदमी साथ में जावे है, वे इतने धक्के खाते परेशान हुए हैं। अब कम से कम सेंटर उड़ा दे दो भाई, तेरे पेपर तो वैसे भी आउट होने हैं, 30 में तो 25 तो मेरे ख्याल में इनके आउट हो लिए, जब पेपर आउट होने हैं तारे तो संभले नहीं रहे तो धक्के भी क्यों खिलवा रहे हो।